तो खाक का पुतला बनाया, एजी खाक ही दामन गिर है। खाक में मिल जाएगी प्यारी तेरी खाक की तस्वीर है। एजी मांग रहा जिस रूप को और नूरख दोनों छाको, सो पता नहीं इस रूप पे प्यारे कलयुग देगा। आज परम सौभाग्य का विषय है शिवम स्टूडियो बधाना के सौजन्य से हमारे परम आदरणीय भांजे जो आज दुबई से लौट करके आए हैं, ग्राम बिचपरी से मेरा भांजा अंशु यादव, उनकी विशेष फरमाइश पर आज हम सभी कलाकार शिवम स्टूडियो बधाना के माध्यम से आज एकत्रित हुए हैं। और हमारे भांजे की विशेष फरमाइश थी, मामा जी एक बार कथा तो आपकी होनी है लेकिन फिर भी भांजे के लिए दो शब्द। अरे तीन साल ते और लला मेरे नी और कष्ट तो बहुत उठाए, और अंशु यादव ग्राम बिच परी मामा को बुलवाए। मेरा परम आदरणीय भांजा जो मेरे जीजा श्री उमेश चंद जी है, उनके सुपुत्र साहब है छोटे। अरे तीन साल ते ललान विदेश नो दुख बहुत झेले, कल्पना करता है परदेश में कितना भी सुख हो, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, लेकिन पराधीन भैया सपने सुख नहीं। अरे फोन मिलाओ निज मामा पूतन की बता बताई, तो
जैसे ही मेरे मैनेजर ने आने के लिए मेरे पास फोन किया तो बड़ा खुशी हुई। अरे मूसा तो मेरे स्वर्ग चले गए मोहे नया। मेरे परम आदरणीय मूसा जी प्रेमपाल सिंह यादव जी जो नगला भार आके हैं, मेरे भांजे के जो नाना जी थे वो संसार सागर को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जब मेरा भांजा आया था तो मेरी दीदी प्रमोद जी के आंसू निकल रहे थे। अरे मूसा तो मेरे स्वर्ग चले गए खुद ही नीम समा।